अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की जो मैं अपडेट लेकर आया हूँ वो असाज़ा कराम और जो स्टूडेंट्स हैं उनके हवाले से एक इंतहाई इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किया गया है। और आपसे गुजारिश है कि अगर आपने पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब इसको सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि इस तरह की वीडियोज़ और उसके नोटिफिकेशन आपको मौसूल होते रहें और आप इससे इस्तिफादा हासिल करते रहें। तो नाज़रीन, अब बिला ताखीर मैं आपको लेकर जा रहा हूँ उस नोटिफिकेशन की तरफ जिसमें असाज़ा कराम और तुलबा के लिए एक इंतहाई अहम खबर आई है, और वो आम खबर जो है वो नोटिफिकेशन की सूरत में नाज़रीन मैं आपको पढ़ कर सुनाने लगा हूँ। तो वो नोटिफिकेशन नाज़रीन ये है, तो नाज़रीन वो नोटिफिकेशन ये है कि गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से 1 मार्च 2021 को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, और इन प्रेजेंस ऑफ द डिसीजंस टेकन इन द मीटिंग ऑफ इंटर प्रोविंशियल एजुकेशन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस कन्वेड वाइड लेटर नंबर 11/2021 डेटेड 26 फरवरी 2021, द एकेडमिक सेशन फॉर द ईयर 2021-2022 शेल स्टार्ट फ्राम 1 अगस्त 2021-31 मार्च 2022 फॉर आल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन द पंजाब। नाजरीन इस नोटिफिकेशन के अंदर ये बताया गया है कि जो तालीमी साल है एकेडमिक सेशन जो है वो 2021 से 2022 जो है वो 1 अगस्त 2021 से स्टार्ट होगा और 31 मार्च 2022 जो है इस पे इख्तिताम पजीर होगा। तमाम जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं पंजाब के अंदर वो इस शेड्यूल को, इस नोटिफिकेशंस को फॉलो करेंगे। नाज़रीन तो ये सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन जो है जारी किया गया है, और इसका नंबर और डेट इवन जो है ये नीचे रेफरेंसेस भी आप देख रहे हैं, जिन 5 रेफरेंसेस के नाज़रीन दिए गए हैं। तो ये आज की अपडेट थी जो मैंने गोश आपके गोश गुजार की। तो इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।